नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। झारखंड की जलवायु पर आज बात करेंगे कि झारखंड की जलवायु से मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे, झारखंड की जलवायु कितने प्रकार की है, ज्योग्राफर ने इसे किस दृष्टिकोण से वर्णित किया है, कहां पर अधिक बारिश होता है और क्यों, कहां पर कम बारिश होता है, सारी चीजों पर डिटेल्स में बात करेंगे। ये झारखंड लोक सेवा आयोग JSSC और टेट परीक्षा और झारखंड हाई स्कूल सचिवालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। झारखंड की जलवायु को भारत की जलवायु से अगर तुलना करें तो एक लाइन में इसका उत्तर होगा कि ये ट्रॉपिकल मानसून जलवायु के जैसा है, यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। ट्रॉपिकल मानसून जलवायु में टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है, यानी कि विंटर में उतना ठंड नहीं होता है जितना कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है। तो चलिए अब डिटेल्स में इस पर बात शुरू करते हैं कि झारखंड में आमतौर पर जलवायु को ज्योग्राफर ने 3-6 भागों में बांटा है, यानी कि झारखंड की जलवायु जो है वो 6 प्रकार की है और यहाँ का सीजन 3 प्रकार का है। तो सीजन भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले जलवायु में सबसे पहले जलवायु है उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी जलवायु, दूसरे नंबर पर है मध्यवर्ती जलवायु, मिडिल जो क्लाइमेट है झारखंड का, तीसरे नंबर पर है ईस्ट संथाल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है पूर्वी संथाल का, थोड़ा सा डेल्टा प्रदेश का इस पर मुहर लगता है तो थोड़ा डेल्टा एक हो जाता है ये, तो इसको जो मिट्टी की जमाव हुई है इस पर भी बात करेंगे थोड़ी देर में। अगली जलवायु है इसकी ईस्ट सिंहभूम की, जो जमशेदपुर का क्षेत्र है वहां की जलवायु में थोड़ा उड़ीसा के नजदीक होने के चलते तटीय जलवायु जैसा दिखने लगता है, कभी कभी साइक्लोन का असर हो जाता है, इस पर भी बात होगी हमारी। साउथ वेस्टर्न क्लाइमेटिक कंडीशन पर बात करेंगे इसके बाद, और अंत में रांची हजारीबाग की जो पार्ट जलवायु है पठारी उस पर बात करेंगे। झारखंड में एवरेज अगर वर्षा देखा जाए तो पूरी जो मानसून सीजन से लेकर के और जाड़े में भी कभी कभी बारिश हो जाता है तो 120 से 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा है झारखंड का। ये पूरे भारत का 100 सेंटीमीटर है लेकिन झारखंड में वर्षा थोड़ा ज्यादा होता है, वो 120 से 125 सेंटीमीटर ये एवरेज है झारखंड का, प्रत्येक वर्ष इतना बारिश होती है। अब झारखंड में जो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न जलवायु पहला बात करेंगे हम लोग, उत्तर और उत्तर पश्चिम का जो ऊपरी इलाका है जहां पर चतरा है, चतरा डिस्ट्रिक्ट आप नाम सुन रखे होंगे, चतरा के साथ साथ में जहां पर पलामू है, जहां पर गढ़वा है और थोड़ा सा एरिया हजारीबाग का, थोड़ा सा पूरा हजारीबाग नहीं, इस इलाके में उत्तर पश्चिमी जलवायु के नाम से इसे जानते हैं। इसे कॉन्टिनेंटल भी कहा जाता है, ये महाद्वीपीय जलवायु है। कॉन्टिनेंटल इसलिए कि इसमें सागर का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता और जब कॉन्टिनेंटल जलवायु होगा तो वहां पर समर और विंटर दोनों आपको नजर आएगा, ये दोनों के साथ साथ रेनी सीजन में बारिश भी होगी, तो इसमें थोड़ा टेम्परेचर का वेरिएशन भी आपको दिखाई देगा, टेम्परेचर वेरिएशन भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए चतरा और जो गढ़वा और पलामू है यहाँ की जलवायु कभी कभी ड्राइनेस हो जाती है, तो थोड़ा ड्राइनेस के साथ ही थोड़ा शुष्क हो जाता है। दूसरी जलवायु जो है ये मध्यवर्ती जलवायु के रूप में जाना जाता है और इसको उप महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं, ये सब कॉन्टिनेंटल जलवायु के रूप में जाना जाता है। सब कॉन्टिनेंटल इसलिए कि जो पूरी भारतीय उप महाद्वीप की जलवायु है उसका असर इसमें दिखने लगता है, यहाँ पर एवरेज 50 से 55 सेंटीमीटर की बारिश हो जाती है साल में। अब इसमें मुख्य स्थान होगा इसमें आएगा, पहला लिखिए हजारीबाग आएगा, बोकारो आएगा और धनबाद आएगा, ये तीन मेन इलाका होगा जहां पर सब कॉन्टिनेंटल होता है, जिसमें जाड़ा और गर्मी और बरसात तीनों एक अच्छा स्पेसिफिक मंथ में दिखाई देता है, तीन तीन चार चार महीने का हर कुछ रहता है यहाँ पर। तीसरा जलवायु ईस्ट संथाल, ये ईस्टर्न संथाल जो है इसमें थोड़ा नदिये और डेल्टा वाला जो प्रदेश होता है जहां पर डेल्टा रीजन में जो मिट्टी का प्रभाव है और ह्यूमिडिटी मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है, जिसमें एटमॉस्फेयर में जब आप हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे
तो हमेशा 60-70 ह्यूमिडिटी नजर आएगी, 60-70। और जैसे ये 100% हो जाएगा ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पर पानी बरसने लगेगा, इसलिए इस इलाके में बारिश जब तब हो जाता है, खास करके ये डेल्टाइक जो रीजन है, ईस्ट संथाल वाला, तो ये पारसनाथ का जो एरिया है उस एरिया में। अगला इलाका होगा पूर्वी सिंहभूम का, जमशेदपुर इसका हेडक्वार्टर है। इसका असर हालांकि थोड़ा दूर तक चला जाता है पूर्वी सिंहभूम से। इसमें ओशनिक इन्फ्लुएंस होता है, जो यहाँ से बगल में, जमशेदपुर से बगल में पुरी है, उड़ीसा के तटीय प्रदेश है, तो जब कभी वहां साइक्लोन का नौबत आएगा या वहां पर मानसून वाली भी तेज वर्षा होगी, तो धीरे धीरे उसका असर और बंगाल के भी नजदीक है झारखंड, उड़ीसा के भी नजदीक है झारखंड, इसलिए समुद्र का इसमें थोड़ा ओशनिक, इसको मेरिन क्लाइमेट भी बोलेंगे, कि इसका असर होते रहता है जब आप इस एरिया में रहिएगा, तो समय समय पर यहाँ का जलवायु में बारिश होना शुरू हो जाएगा। और खास बात होती है कि नवंबर दिसंबर में भी यहाँ बारिश होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि गर्मी में होगा, नवंबर दिसंबर में भी होगा। और एक डिस्टिंक्ट प्री मानसून रेन भी होता है यहाँ पर इस प्रदेश में, मानी मानसून आने के पहले की वर्षा शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 70 से 75 सेंटीमीटर का औसत वर्षा इस एरिया में हो रहा है, 75 सेंटीमीटर का, ईस्ट सिंहभूम में ओशनिक इन्फ्लुएंस है। जो ये आपका चार हो गया, पांचवा है साउथ वेस्टर्न क्लाइमेटिक कंडीशन, मैं दक्षिणी पश्चिमी जो जलवायु है ये है चाईबासा में, जहां पर पेनी प्लेन वाला जो एरिया है, थोड़ा समतल लोलैंड है ये, झारखंड के दृष्टिकोण से ऐसे तो पूरा झारखंड पठार है, उसके तुलना में थोड़ा चाईबासा का हाइट कम होगा। तो यहाँ पर वेस्ट सिंहभूम इसका हेडक्वार्टर है, 65 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर एवरेज, 65 से 70 सेंटीमीटर की बारिश होती है। और चूंकि इस एरिया में जंगल बहुत है, तो इसलिए कभी कभी ह्यूमिडिटी तुरंत पूरा हो जाता है और तेज बारिश होने लगता है यहाँ पर, तो ये भी खासियत है पश्चिमी सिंहभूम का। इसमें पश्चिमी सिंहभूम में आपको हाटगमरिया, छिटपानी, गोलकेरा, सोनुआ, मनोहरपुर, ये क्षेत्र इसमें आता है। इसके बाद रांची और हजारीबाग का जो जलवायु, जिसको पाट जलवायु बोलते हैं, यहाँ पर उतना लू नहीं लगता है जितना बाकी प्रदेश में रहता है, क्योंकि ये थोड़ी हाइट पर, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1000 फीट है बाकी जगह की तुलना में, तो यहाँ पर आपको लो प्रेशर नहीं बन पाता है, पहला। दूसरा है कि जो तेज हवाएं आती हैं झारखंड की, कालबैसाखी झारखंड में बनता है प्री मानसून रेन, और ये चला जाता है बंगाल की ओर में, तो हाइट पर होने के चलते क्या होता है कि ये हाइट पर जा नहीं पाता है इतनी तेज हवा, इसलिए रांची का मौसम थोड़ा ठीक होता है, थोड़ी वहां की टेम्परेचर भी कम होती है, एवरेज आप सोचेंगे तो अन्य प्रदेशों के तुलना में 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर कम होता है रांची का, तो जाड़े के मौसम में थोड़ा ज्यादा जाड़ा लगेगा, विंटर सीजन है, लेकिन समर में यहाँ पर काफी अच्छा होता है। और रांची और हजारीबाग दोनों की जलवायु बहुत अच्छी है, ऐसा माना जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको देखा जाता है। और कॉपेन और थॉर्नवेट के अनुसार अगर चलेंगे तो कॉपेन के क्लासिफिकेशन में ट्रॉपिकल रीजन रखा गया है इसको भी, और इसको ए कैटेगरी में रखा गया है, कि यहाँ पर रेनफॉल भी अच्छा हो जाता है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा है तो रेनी एरिया हो जाएगा ये, तो ये बहुत अच्छा चीज होगा। और जो पार्ट वाला एरिया बता रहे थे, इसमें नेतरहाट आएगा जो स्थान अगर है, सबसे ज्यादा पानी बरसता है नेतरहाट में, क्योंकि वो एक स्थान पर्टिकुलर सिटी है। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे पानी बहुत ज्यादा होता है, कोडरमा में पानी कम बरसता है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में पूरी अगर देखेंगे तो बारिश कम होगा। तो देखिए झारखंड की कॉन्टिनेंटल जलवायु हो गया, सब कॉन्टिनेंटल जलवायु हो गया, मेरिन इन्फ्लुएंस है, मतलब झारखंड में मेरिन क्लाइमेट नहीं है, मेरिन इन्फ्लुएंस है, और इन्फ्लुएंस कहाँ पर है, ये जमशेदपुर के क्षेत्र में ज्यादा है। इसी प्रकार से हमारा झारखंड में डेल्टाइक इन्फ्लुएंस है, मतलब जो सुंदरबन का डेल्टा वाला जो एरिया है और सोनदेखा नदी का जो डेल्टा बनता है वहां से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है ये हमारा ईस्ट संथाल एरिया में हो रहा है। साउथ वेस्टर्न रीजन में भी हमारी क्लाइमेट जो है कॉन्टिनेंटल जैसी हो जाती है, और रांची और हजारीबाग में थोड़ी कूलर क्लाइमेट होगी, थोड़ी कूल होगी, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम है। अब झारखंड की पानी की बात कर लेते हैं कि झारखंड में कितना पानी है टोटल, तो टोटल पानी झारखंड में
2878 मिलियन क्यूबिक मीटर, फिर से एक बार याद कर लें, 2878 मिलियन क्यूबिक मीटर ये झारखंड का टोटल पानी है, उतना पानी झारखंड में है। और इसमें से 83% जो वाटर होगा ये ग्राउंड वाटर नहीं है, ये ऊपर का पानी सरफेस वाटर है, और बाकी जो 17% है वो अंडरग्राउंड वाटर है। कारण क्या है इसका? देखिए, हमारे झारखंड में जो प्लेटो एरिया है, टेबल लैंड अफ्रीका के जैसा है, तो बारिश होता है तो परकोलेट नहीं कर पा रहा है। बिहार में अंडरग्राउंड वाटर ज्यादा है, ये पानी मूवमेंट होकर के नदी में चला जाता है झारखंड के, और ये नदी से चला जाता है महासागर में, इसलिए उतना पानी अंडरग्राउंड वाटर के रूप में नहीं दिखाई देता है। और अगर सीजन की बात की जाए तो मूल रूप से तीन सीजन है यहाँ पर। एक तो समर सीजन है जो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 15 मार्च में, मतलब फरवरी के लास्ट में 1 मार्च से सोची शुरू हो जाता है और एंड करता है, मतलब जब तक भारत में हमारे यहाँ पर मानसून नहीं आता है। तो मानसून आने का डेट है झारखंड में 10 जून का, तो 10 जून से 15 जून का जो एक डेट है वो हो जाएगा रेनी सीजन का, और तब तक समर सीजन है, और रेनी सीजन फिर चलता रहता है क्योंकि फिर वापस होता है मानसून। ये सारा कुछ होते होते फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आ जाता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में भी कभी कभी बारिश होने लगता है झारखंड में, जो रिटर्निंग मानसून से होता है। और इसके बाद जाड़े का मौसम आता है, तो आप देखेंगे दुर्गा पूजा के बाद में विंटर सीजन की शुरुआत हो जाती है, फिर वो चलेगा। तीन सीजन है मुख्य रूप से। अब आपको बता दें कि जब आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट को पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें इस प्रकार के जलवायु में क्या होता है कि जब भी मानसून का सीजन आता है उसके पहले, मानसून के ठीक पहले तेज आंधी आएगा, जिसको अलग अलग जगह में नाम दिया जाता है। बंगाल में जिसको काल बैसाखी बोल रहे हैं, साउथ इंडिया में इसको मैंगो सावर बोलते हैं, कर्नाटक में इसको चेरी ब्लूजम बोलते हैं, तो ये सारे नाम है अलग अलग हमारे झारखंड के। झारखंड में तो लू बोला जाता है, काल बैसाखी तैयार होता है यहाँ पर झारखंड में, लेकिन उस समय में इक्वेटोरियल वेस्टर्नाइज आ रहा है, विषुवतरेखीय पछुआ पवन आ गया है, साउथ वेस्ट मानसून वाला, और इसके चलते मूवमेंट करा देता है जो चला जाता है बांग्लादेश और बंगाल की ओर में। तो ये एक चीज है झारखंड के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा इसको। और झारखंड के लिए कई व्यूअर ने कहा था कि इसको मैपिंग पर अच्छा से बताइए, हमने सारा वीडियो अब आपको मैप पर भेज रहे, पहले से जो वीडियो हमने आपको भेज दिया उसके बाद भी हमने मैपिंग के द्वारा सारी वीडियो को आपको भेज रहे हैं। तो अगर आप इसको पसंद करते रहिएगा, और भी क्या चाहते हैं, जो व्यूअर हमसे डिमांड करते हैं वही वीडियो हम भेजते हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि झारखंड की किसी भी परीक्षा को आप आसानी से घर बैठ करके पास कर जाइएगा, चाहे वह झारखंड लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो, हाई स्कूल टेट एग्जाम होता है, पंचायत सचिव है, सचिवालय है, तो सारे एग्जाम्स आप निकाल सकते हैं, JSSC के जो परीक्षाएं होती हैं। लेकिन परीक्षा झारखंड में थोड़ा देर से होता है, ये आपको एक दिक्कत होगा, बट अब चिंता नहीं करनी है, आप जरूर क्वालिफाई कर जाइए, क्योंकि हमारे साथ आप जुड़ गए हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।